इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि बच्चों को जो आंख आने की समस्या होती है उसके बारे में, जिसे कंजक्टिवा या फिर पिंक आई या गुलाबी आंखें भी कहा जाता है। हम जानने वाले हैं कि अगर बच्चों को आंख आने की समस्या हुई है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और डॉक्टर्स के द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम यह भी जानने वाले हैं कि बच्चों के लिए कौन से सुरक्षित और मतलब सेफ और बहुत ही इफेक्टिव आई ड्रॉप या फिर दवाओं के बारे में, जो दवाई का यूज़ करने से बच्चों को 2 दिन में ही आँख आने की समस्या दूर हो जाएगी। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या बच्चों के लिए और जो बड़ों के लिए, दोनों के लिए एक ही ड्रॉप का यूज़ किया जाता है या फिर नहीं, या फिर बच्चों के लिए कोई दूसरा अलग मॉलिक्यूल आता है जिसका बच्चों में ही यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शव। पहले तो हम जानेंगे कि अगर बच्चे को आँख आई है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चे की जो आँखें हैं उसमें रेडनेस मतलब लालपन दिखाई दे सकता है, बच्चे की आँखों में सूजन भी दिखाई दे सकता है या फिर दर्द भी हो सकता है, उन्हें आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है या उनके आँखों में कीचड़ आने लगता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, वो कीचड़ की वजह से बच्चे को आँख खोलने में भी तकलीफ होती है। ज़्यादातर मॉर्निंग में ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जब सो के उठता है तो वो अपनी जो आंखें हैं वो खोल नहीं पाता है। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं अगर उन्हें बच्चों को आंख आने की समस्या हुई है तो। अब हम जानेंगे कि कौन सा आई ड्रॉप और दवाइयाँ है जो बच्चों के लिए सुरक्षित है और इफेक्टिव है, जो बच्चों के लिए ही यूज़ किया जाता है। बच्चों के लिए एजिथ्रोमाइसिन मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है, आई ड्रॉप या फिर ऑइंटमेंट मतलब क्रीम फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, जो हमें एजिथ्राल या फिर जहाँ के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जो एजिथ्राल और जो जहा है उसका आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट मतलब क्रीम और ड्रॉप दोनों ही फॉर्म में मार्केट में हमें आसानी से मिल जाता है। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी के, वह क्या करता है, बच्चों को जो आंख आने की समस्या है जिस बैक्टीरिया की वजह से हुई है उस बैक्टीरिया को खत्म करता है और जो आंख आने की समस्या उसे ठीक करता है। बच्चों को जब भी आंख आती है तो उस कंडीशन में सबसे सेफ जो दवा है वह एजिथ्रोमाइसिन होता है। दूसरे जो एंटीबायोटिक है उसका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर दूसरे एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं तो दूसरे जो एंटीबायोटिक होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और हमें बच्चों को झटके आना, ऐसे दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। जब भी बच्चों को आँख आने की समस्या होती है तो डॉक्टर्स के द्वारा एजिथ्रोमाइसिन क्रीम या फिर ड्रॉप ही लिखा जाता है। ये जो एजिथ्रोमाइसिन की जो क्रीम या ड्रॉप है वो हम 6 साल से नीचे बच्चों को भी दे सकते हैं और 6 साल के ऊपर के बच्चों को भी यह ड्रॉप और क्रीम जो है वो दिया जाता है। यह जो ड्रॉप होता है उसे दिन में 2 बार लगाने के लिए कहा जाता है, ड्रॉप फॉर्म में 1-1 बूंद डालने के लिए कहा जाता है और क्रीम फॉर्म में डायरेक्ट थोड़ी सी क्रीम लगाने के लिए कहा जाता है। यह जो ट्रीटमेंट है मतलब एजिथ्रोमाइसिन को जो क्रीम या ड्रॉप है उसे कंटिन्यू 3 से 5 दिनों तक लगाने के लिए कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि बच्चों पे यह ड्रॉप या फिर क्रीम का यूज़ कैसे किया जाता है। जब भी हमें बच्चों की आंखों में दवा डालना है तो पहले अपने जो हाथ है वो अच्छे से धुल लेना है। उसके बाद अगर हम ड्रॉप डाल रहे हैं तो बच्चे की जो नीचे की पलक है उसे नीचे करके उसमें 1-1 बूंद डालना है दिन में 2 बार। लेकिन अगर हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो हमारे हाथों की उंगलियाँ हैं उंगलियों में थोड़ा सा क्रीम लेके और जैसे हम काजल लगाते वैसे ही बच्चों को लगा कर देना है। उसके बाद ये दिन में 2 बार करना है। जो आई ड्रॉप होते हैं उसे 1 बार यूज़ करने के बाद आप अगर बच भी गया तो उसे सिर्फ 1 महीने तक ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैंने वो आई ड्रॉप का यूज़ किया उसके बाद में मुझे लग रहा है कि मेरा 5 दिन के बाद में इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन वो आई ड्रॉप बच गया तो उसे मैं सिर्फ 1 महीने तक ही यूज़ करूँगी। लेकिन आपको लगता होगा कि उसकी एक्सपायरी तो 2025 तक के है, तो वो जो एक्सपायरी होती है वो मेडिकल शॉप वालों के लिए होती है, आप सिर्फ 1 महीने तक ही यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, आई ड्रॉप को पिन डालकर या फिर सुई डालकर किसी भी चीज़ से उसे फोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आई ड्रॉप की जो कैप होती है उसमें ही वो ऐसा बना हुआ होता है कि जिससे आपका जो बिना किसी चीज़ से उससे ही वो फूट जाता है। आपको क्या करना है, पहले जो आई ड्रॉप को घुमाना है, जो सील होती है उसे तोड़ना है, उसके बाद जो एक राउंड होता है उसे निकाल कर फेंक देना है। उसके बाद आपको फिर से कैप लगानी है और उसको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना है, जिसकी वजह से जो कैप के अंदर ऊपर ही एक चीज़ ऐसा रहता है जिससे वो जो है वो छेद हो जाता है। ऐसा करके आपको वो आई ड्रॉप को छेद करना है, किसी भी चीज को उठाया और उससे छेद नहीं करना है। इस तरीके से आई ड्रॉप को जो फोड़ा जाता है, एजिथ्रोमाइसिन क्रीम या फिर जो ड्रॉप आता है उसके साथ में अगर बच्चे को दर्द है तो उस कंडीशन में एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासिटामोल का सायरप दिया जाता है और उसके साथ में एंटीबायोटिक की सायरप दिया जाता है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवोनेट जो है नॉर्मली यही सायरप दिया जाता है। इस तरीके से बच्चों को अगर आँख आने की समस्या हुई है तो ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।